Good morning, everyone. Welcome to your English class. How are you all? I hope you all are doing good. So students, in last class we have finished with the chapter number 9, India My Country, from your English reader textbook. And in this chapter we got the more knowledge about our country, and we have learned and discussed the interesting facts about our country. And in that we have discussed few interesting facts related to the geography of our country. Then we discussed about why our country is being named Bharat. Then in that we discussed what is the significance of all the three colors which are there in our national flag. And then we also discussed what is the national emblem of our country and what it means. Okay, then the currency, we discussed about the currency also. And then we discussed about the national anthem and national song of India, and who have composed these national anthem and national song. That also we have discussed in this chapter. So bachcho, humne pichle class mein India My Country ye chapter फिनिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. उसमें हमने हमारे देश के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त की थी. उसमें हमने सीखा था कि इंडिया का जो जोग्राफी है वो कैसा है. और फिर हमने सीखा कि हमारे देश को भारत क्यों कहते हैं. फिर इस चैप्टर में हमने ये भी पता चल गया कि इस चैप्टर के थ्रू कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा, उसमें जो तीन कलर्स है वो क्या किस चीज़ के प्रतीक है. ओके, इट सिंबलाइजेस विच थिंग. ओके, दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. फिर हमारे देश का राज चिन्ह क्या है, नेशनल एम्बलम मतलब राज चिन्ह. ओके, और फिर हमने यहाँ पर जाना कि हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, वो किसने रचा है, किसने लिखा है. फिर जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो किसने लिखा है, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा. ओके, तो ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर में चैप्टर से प्राप्त की है. ओके, नाउ वी विल सॉल्व दी एक्सरसाइजेस फ्रॉम दिस चैप्टर. एंड इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दी कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी एक्सरसाइजेस विच आर बेस्ड ऑन दी ग्रामर. ओके, एंड बिफोर सॉल्विंग दी क्वेश्चन एंड आंसर्स we will discuss the difficult words from this chapter. India, my country. The difficult words from this chapter are interesting, surround, ancient. Okay, remember the pronunciation of these words, because these all are new words, and that is why these are new for you to pronounce. So concentrate on the pronunciation. Interesting, surround, ancient, fearless, citizens, saffron, courage, spokes, emblem, currency, directions, inscribed, composed, powerful, purity. Okay, next, word meaning. Surround, the meaning of word surround is to be all around, मतलब चारों तरह से किसी चीज़ से घेर लेना, उसको क्या बोलते हैं, surround. Fearless means brave. Okay, means the person who doesn't have fear about anything. Citizens, person who belong to a country. So people who live in one country, they are known as the citizens of that country. हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के क्या बनते हैं, नागरिक बनते हैं. तो citizens मतलब क्या है, नागरिक. Emblem, badge, चिन्ह होता है किसी तरह का, तो उसको क्या बोलते हैं, emblem, चिन्ह या badge. हिंदी में चिन्ह, badge. Currency, money, पैसे. Inscribed, words cut on to wood, stone or metal. So inscribed means
किसी को अंकित कर देना, कोई शब्द किसी वुड के ऊपर यानी लकड़ी के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर या पत्थर के ऊपर अंकित कर देना, उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड. कंपोज्ड, रिटन. ओके, देन एंशंट मीन्स ओल्ड. नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. कॉम्प्रिहेंशन, अंडर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट द एक्सरसाइज ए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस, द हिमालयाज आर फाउंड इन द सदर्न इंडिया. डू यू थिंक दिस इज द राइट सेंटेंस? दिस इज द ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स. हिमालयाज आर फाउंड इन द नदर्न इंडिया, नॉर्थ साइड में है हिमालय इंडिया के, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. द नेशनल एम्बलम रिमाइंड्स अस दैट वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, नेशनल फ्लैग रिमाइंड्स अस दैट वी आर वन ऑल दो वी बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इसका ये तो रॉन्ग है इसका मीनिंग. करेक्ट मीनिंग वाला सेंटेंस क्या होगा? हमारा नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है, ट्राइकलर है, वो हमें सचेत करता है कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, बजाय हम अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं और अलग अलग राज्यों में रहते हैं फिर भी. ओके, न्यू ईयर इज अ नेशनल हॉलीडे? नो, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट इज वाई वी विल राइट ओवर हियर फॉल्स. न्यू ईयर इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे. द थ्री नेशनल हॉलीडेज आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. ओके, फोर्थ सेंटेंस, द चक्र और व्हील इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग हैज 24 स्पोक्स. यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. Now we will move on to the exercise B. Fill in the blanks with the help of the words given below. So in this box they have given us few words and we have to fill up these words in the blank spaces given over here. Okay. First sentence. The national bird of India is the peacock. Is there a word peacock over here? Yes. We'll fill up the blank space with word peacock. The national anthem was written by Rabindranath Tagore. National anthem was written by Rabindranath Tagore. Is there a word anthem? Yes, anthem likhna hai. Okay, the dash dash is the national animal of India. Which is the national animal of India? Yes, it's a tiger. So humko yahan pe blank space mein tiger likhna hai. Fourth, the words dash dash are inscribed बिलो द इंडियन एम्बलम. सो जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके नीचे क्या अंकित किया गया है या उसके नीचे क्या लिखा गया है? इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित करना. वॉट वर दोज वर्ड्स विच वर इंस्क्राइब्ड बिलो द इंडियन नेशनल एम्बलम? दोज आर सत्यमेव जयते. वी हैव दैट वर्ड सत्यमेव जयते ओवर हियर, सो वी हैव टू फिल अप द ब्लैंक स्पेस विद द वर्ड सत्यमेव जयते. क्वेश्चन नंबर 5, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज द डैश डैश. सो विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इट्स लोटस. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो हियर वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन फुल सेंटेंसेस इन डिटेल. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री कलर्स प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग. तो इस क्वेश्चन में हमें आंसर में लिखना है कि हमारे नेशनल फ्लैग में कौन से तीन कलर्स है. ओके, द थ्री कलर्स दैट आर प्रेजेंट इन नेशनल फ्लैग आर सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन. ओके, इन आर लिखना है, द थ्री कलर्स दैट आर प्रेजेंट इन आर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग. ओके, तो हमारे राष्ट्रीय झंडे में कौन से तीन कलर मौजूद है उनके नाम लिखने हैं. तो आंसर में लिखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज में या हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो तीन कलर्स हैं उनके नाम हैं केसरी, सफ़ेद
और हरा, सैफरन मीन्स केसरी. ओके, तो ये तीन रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द व्हील इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग. सो वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द कलर, नेम ऑफ द कलर ऑफ द व्हील विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग. ओके, और वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट व्हील विच इज़ इन द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग. तो आंसर में लिखेंगे द व्हील इन द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग इज़ ब्लू इन कलर. इसका मतलब है जो चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना हुआ है उसका रंग नीला है. ओके, थर्ड क्वेश्चन, नेम द नेशनल डेज सेलिब्रेटेड इन इंडिया. सो हियर वी हैव टू गिव नेम ऑफ दोज डेज विच आर बीन सेलिब्रेटेड एज नेशनल डेज और नेशनल हॉलीडेज इन इंडिया. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच फेमिलियर टू यू बिकॉज वी हैव लर्नड अबाउट द नेशनल डेज और नेशनल हॉलीडेज इन EVS as well. EVS में भी पढ़े हैं ना हमने नेशनल हॉलीडेज के बारे में या नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में, वही लिखना है. नेशनल डेज या नेशनल हॉलीडेज या नेशनल फेस्टिवल्स तीनों एक ही है. ओके, तो आंसर में लिखेंगे द नेशनल डेज सेलिब्रेटेड इन इंडिया आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फोर, ड्रॉ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन द स्पेस गिवन बिलो. तो यहाँ पर आपने क्या बनाना है, हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसका क्या करना है, चित्र बनाना है, तिरंगे का तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ट्राई कलर विच इज़ आवर नेशनल फ्लैग, वी हैव टू ड्रॉ इट एंड देन वी हैव टू कलर इट. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर एक्सरसाइज. ओके, लिंकिंग वर्ड्स और जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइन टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस. फॉर एग्जांपल एंड, बट और एक्सेट्रा. सो किड्स, वी हैव लर्न अबाउट द कंजंक्शंस और जॉइनिंग वर्ड्स इन द लास्ट क्लास ओनली. इन ग्रामर टेक्स्ट बुक वी वर हैविंग द चैप्टर यूनिट नंबर, आई थिंक यूनिट नंबर 16, इट वॉज द यूनिट नंबर 16 फ्रॉम योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, है ना. इन दैट यूनिट वी हैव लर्न अबाउट द कंजंक्शंस और द जॉइनिंग वर्ड्स. सो जॉइनिंग वर्ड्स और द कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और फ्रेजेस, है ना. कोई भी दो शब्द या दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस को जो जॉइन करते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शंस. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंजंक्शंस, द एग्जांपल्स ऑफ द कंजंक्शंस आर एंड, बट और. ओके, ये तीन हमने यूज़ किए हैं, एंड बट और एज कंजंक्शंस. और भी एग्जांपल्स हैं कंजंक्शंस के, जैसे सो, बिकॉज, येट. ओके, फॉर, दीज आर ऑल्सो द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द कंजंक्शंस. सो क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड, बट और. और हमको ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है इन कंजंक्शंस से, एंड, बट या और. ओके, इन तीनों में से एक यूज करना है, एंड, बट या और. द फर्स्ट सेंटेंस, Rita went to the market but buy a pen. Sorry, Rhea went to the market to buy a pen. Dash dash, the shop was closed. So here what we can see, Rhea went to market to buy a pen and the shop was closed. So yahan pe kaun sa aayega, she went, but something is happening which is not similar to the first sentence, which is not in kya bolte, which is not in concurrence with the first sentence. Jaise Rhea market gayi thi pen khareedne ke liye, ye ek sentence hua, par dusra sentence kya hai, jo shop thi wo band thi. To dono sentence mein kya bol rahe, jo event hai wo accordingly nahi lag rahe ek dusre ke, kya bolte hai,
रिलेशन में नहीं लग रहे, क्योंकि मार्केट गई है पर शॉप बंद है, मतलब अपोजिट में आ रहे हैं दोनों जो इवेंट्स हो रहे हैं, दे आर इन अपोजिशन विथ ईच अदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी विल यूज़ कंजंक्शन बट, पर, किंतु, ऐसे। रिया जो है मार्केट चली गई पर दुकान बंद थी, सो हम लिखेंगे रिया वेंट टू द मार्केट टू बाय अ पेन बट द शॉप वॉज क्लोज्ड। सेकेंड, यू कैन यूज़ क्रेयॉन्स डैश डैश पेंसिल कलर्स टू ड्रॉ। तो ये जो है यू कैन यूज़ क्रेयॉन्स एंड सेकेंड इज पेंसिल कलर्स टू ड्रॉ, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों जो इवेंट्स है, दोनों जो सेंटेंसेस है या जो दो वर्ड्स हमें जॉइन करने, दे आर सिमिलर, मोर ओवर सिमिलर, और दे आर इन रिलेशन विथ ईच अदर या कंकरेंस में है, एक साथ मिल के आ रहे हैं दोनों सेंटेंसेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड यू कैन यूज़ क्रेयॉन्स एंड पेंसिल्स, पेंसिल कलर्स टू ड्रॉ। तुम क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो और पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर्स भी यूज कर सकते हो ड्रॉइंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वुड नलिन डैश डैश यू लाइक टू ईट समथिंग। सो हियर वी हैव टू फिल अप द ब्लैंक स्पेस विद द एंड बट और। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी वुड नलिन और, सॉरी, वुड नलिन एंड यू, यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, एंड नलिन और तुमको, यानी यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, नलिन और तुम। तो वुड नलिन एंड यू लाइक टू ईट समथिंग, मतलब तुम्हें और नलिन को कुछ खाने के लिए चाहिए, ओके ऐसे। नेक्स्ट, गुजरात डैश डैश बिहार आर बोथ स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो हियर ऑल्सो द बोथ द थिंग्स आर सिमिलर और दे आर इन रिलेशन विथ ईच अदर। तो हम लिखेंगे गुजरात एंड बिहार आर बोथ स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात और बिहार इन दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे नलिन एंड यू, ये दो वर्ड्स को हमारा जो कंजंक्शन था एंड ज्वाइन कर रहा था। फिफ्थ वन, शी हैड प्लान्ड अ टी पार्टी इन द गार्डन डैश डैश इट रेन्ड, मतलब उसने क्या किया इन दिस सेंटेंस, इफ़ यू सी देर इज़ नॉट अ कंकरेंस ऑफ द टू इवेंट्स, और टू इवेंट्स आर वॉट यूल से आर इन अपोजिशन विथ ईच अदर, आर द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन द टू गिवन सेंटेंसेस दे आर नॉट सिमिलर, दे आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पहले वाला सेंटेंस में बताया था कि उसने गार्डन में पार्टी रखी, और दूसरे में बता रहे कि वहाँ पर बारिश शुरू हो गई, इट रेन्ड, मतलब उसने पार्टी रखी और वहाँ पर क्या शुरू हो गया, बारिश शुरू हो गई। दैट मीन्स यहाँ पर हमें यूज़ करना है बट। शी हैड प्लान्ड अ टी पार्टी इन द गार्डन बट इट रेन्ड। सिक्स्थ वन, समर विल गेट अ बनाना डैश डैश एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। सो समर, समर ईदर विल हैव बनाना और एन एप्पल फॉर द ब्रेकफास्ट, मीन्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देर इज़ अ चॉइस दैट ही विल हैव बनाना और एन एप्पल। वो क्या करेगा, या तो बनाना खाएगा ब्रेकफास्ट में या तो एप्पल खाएगा, दोनों चीज़ें तो वो खाने वाला है नहीं, तो उसमें चॉइस है, उसके पास चॉइस है। व्हेन वी गेट अ चॉइस, व्हेन वन ऑफ द थिंग इज़ गोइंग टू हैपन और वन ऑफ द थिंग इज़ गोइंग टू बी सिलेक्टेड, दैट टाइम वी यूज़ द कंजंक्शन और। समर विल गेट अ बनाना और एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इट इज वर्ड बिल्डिंग, प्रोफेशंस ट्रेड्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। हियर वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स एंड वी हैव टू फिल अप दिस ब्लैंक स्पेसेस, ओके। And these words are nothing but the, they tells us about the profession or the trades. देखो, sculptor, sculptor मतलब मूर्तिकार, जो मूर्तियाँ बनाता है पत्थरों को काव करके, उनके ऊपर क्या बोलते हैं, carving को, आरी का काम करके,
जो पत्थरों से मूर्तियां बनाता है उसको बोलते हैं स्कल्प्टर. देन कारपेंटर, कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर फ्रॉम द वुड. फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट इज द पर्सन हु सेल्स द फ्लावर्स. ओके. डेंटिस्ट, डेंटिस्ट इज द पर्सन हु वॉट विल से इफ वी हैव अ टूथ एक देन वी गो टू द डेंटिस्ट, है ना. ही इज द डॉक्टर हु विल टेक केयर ऑफ आवर टीथ. प्लम्बर, प्लम्बर इज दैट पर्सन हु विल रिपेयर और मेंड आवर पाइप्स. ओके. बाथरूम पाइप्स, बाथरूम फिटिंग्स, सो देयर वर्क एरिया इज रिलेटेड टू द बाथरूम पाइप्स, टैप्स एंड बाथरूम फिटिंग्स एंड दे वर्क इन दैट डोमेन. सो फर्स्ट, अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज अ, जो व्यक्ति फूल बेचता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट. अ पर्सन हु अटेंड्स टू टीथ इज अ डेंटिस्ट. I've told you now, the person who takes care of our teeth is known as dentist. Whenever we have a toothache, yani hamare daanton mein dard hota hai ya daanton se related koi bhi issue hai, then we go to a doctor whose profession, then we go to the doctor, but that doctor is known as dentist. Okay, daanton ke doctor ko kya bolte hai, dentist. Person who carves in stone is a sculptor. The person who creates statues, okay, that person is known as sculptor. Statues from the stones, okay. कोई भी व्यक्ति जो पत्थरों में क्या बोलते हैं मूर्तियाँ बनाता है पत्थरों से उसको हम बोलते हैं मूर्तिकार, और इंग्लिश में मूर्तिकार को बोलते हैं स्कल्प्टर. फोर्थ वन, अ पर्सन हु मेंड्स वाटर पाइप्स एंड लीकी टैप्स इज अ डैश डैश. द पर्सन हु रिपेयर्स आवर वाटर पाइप्स एंड लीकी टैप्स, मतलब जो बहने वाले नल होते हैं जो ख़राब हो गए नल पानी के, उनको जो रिपेयर करता है ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लम्बर. फिफ्थ वन, अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर इज अ डैश डैश. इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स अ कारपेंटर. ओके. In this way, we have finished with the grammar and comprehension exercises related to the chapter number 9, India, My Country. And I want you to complete this exercise on your own. Okay, pehle to writing skills ke upar based hai ye exercise, paragraph writing. You have to write a paragraph by using the words which are given in this boxes. Okay, so pehle to dekhiye question kya hai. Write 6 to 8 sentences to describe your school. Use the clue words given in the box. So here you have to describe your school with the help of these words given in this box. Okay, and you have to write one paragraph to describe about your school with the help of these words. आपको एक paragraph लिखना है जिसमें आप अपने school के बारे में बताओगे, और उसके लिए आपको उन्होंने कुछ words भी दिए हैं. ये words use करके आपको आपके sentences बनाने हैं. Okay, I hope you'll be able to do it on your own. If you face any problem or difficulty while writing paragraph about your school, you can ask or you can take my help. Till then, thank you. Have a nice day.